प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मराठी भाषा में एक वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर वायरल है। वीडियो में हरि नामक एक व्यक्ति पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात कहता है तो प्रधानमंत्री मोदी उसे बैठने के लिए कहते हैं। ट्विटर हैंडल @AZcontrol ने ये वीडियो 7 फरवरी को ट्वीट किया था। आप ये वीडियो देख लीजिए। हरिभाव बोला काय म्हणता है? राम राम। नमस्ते, काय म्हणता है? ते पेट्रोल चे भाव वाढ। बसा बसा बसा। इस वीडियो को कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक सरल पटेल ने कोट ट्वीट करते हुए लिखा, हरि भाऊ गॉड नो चिल। एनएसयूआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विशाल चौधरी ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। इनके अलावा भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर और लोगों की बदौलत छाया रहा। मगर इसकी असलियत क्या है, इसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले देखते हैं ट्विटर हैंडल @AZcontrol के ट्वीट पर। इसने अपने ही ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बताया कि ये वीडियो मनोरंजन के मकसद से एडिट करके बनाया गया है। इस ट्वीट में एक YouTube लिंक भी अटैच किया था जिसमें ABP मांझा का एक वीडियो है। यहां नरेंद्र मोदी की हरि भाऊ के साथ ये बातचीत देखी जा सकती है। इस YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो से मामला साफ हो जाता है कि असल में क्या बातचीत हुई थी। आप भी देखिए। हरि भाऊ बोला काय म्हणता है? नमस्ते, काय म्हणता है? बसा बसा बसा। हाँ बोला। तो तुला मराठी येत आहेत की नाही? नाही सर। वाह, एक चलता है क्या? एक बात और जो गौर करने लायक है वो है नरेंद्र मोदी की दाढ़ी। आजकल प्रधानमंत्री ने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी है और इस वीडियो में उनकी दाढ़ी काफी ट्रिम्ड है, यानी ये वीडियो पुराना है। हमने जब ढूंढा तो मालूम पड़ा कि ABP मांझा ने ये वीडियो 29 मई 2018 को अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। ये बातचीत प्रधानमंत्री और मुद्रा योजना के लाभार्थियों के बीच में हुई थी। इसी से हरि भाऊ और नरेंद्र मोदी की बातचीत का हिस्सा काट कर यूं एडिट किया गया जैसे हरि भाऊ ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछा हो और नरेंद्र मोदी ने उन्हें तुरंत बैठने के लिए कह दिया हो। जाते जाते आपको यह भी बता दें कि मई 2018 में मुंबई में पेट्रोल की कीमत 85.29 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज 93.83 रुपए हो गई है। वहीं डीजल 72.96 रुपए प्रति लीटर से आज 84.36 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।